सत्यानाश जाए तेरा, हाथ टूटे पड़े हैं तेरे जाननिया हाथों में, जे खाने की थाली भी नहीं संभाली जा रही तुझसे। सॉरी मम्मी जी, वो पानी का गिलास लुढ़क गया, मैं दोबारा ले आती हूँ। एक तो तेरा खाने गले से उतर जाए ना तो गनीमत है, वो अभी तेरे से ढंग से नहीं परोसा जाता। सॉरी मम्मी जी। बस एक शब्द सीख आई पीहर से, सॉरी काम बिगाड़ और सॉरी बोल। अरे सॉरी की जगह कुछ अपनी माँ से ढंग के काम ही सीख आती। मम्मी जी मैं आपके लिए दूसरी थाली लगा के ले आती हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है बनाने की, दो रोटी बनानी है खुद ही बना लूंगी, हट जा मेरे सामने से। मनोज कहीं की जितना ध्यान है थोबड़े पर लगा रही है ना सजाने में, थोड़ा कामों में भी लगा ले घर के, कोई नहीं देखने आने वाला इतना थोबड़ा। हेलो मम्मी, मम्मी मुझसे नहीं सहा जाता अब, बहुत दिनों के सहते सहते। देखो मेरी सास ने ना मेरा जीना आराम कर रखा है, मैं कितना भी बढ़िया से बढ़िया काम कर लूं उनको हमेशा कमी ही देखनी है। सुबह सुनाना चालू करती हैं, रात हो जाती है सुनाते सुनाते। देखो मम्मी, या तो आप मुझे लेने आ जाओ, नहीं तो फिर देख लेना। अच्छा वाह मम्मी आप आ गए, मुझे तो लग रहा था पता नहीं आप आओगे भी या नहीं। पापा क्यों नहीं आए? बस बेटा उन्हें जरूरी काम था, नहीं तो वो जरूर आते। क्या मुझसे भी जरूरी काम था? अरे तो तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूँ ना। अब बता क्या बात है? मम्मी मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं इस औरत के साथ और नहीं रह सकती अब। तूने दामाद जी से बात की? मम्मी ने तो अपनी माँ में कोई कमी दिखाई नहीं देती, और देगी भी कहाँ से। पता है मेरी सास है इनके सामने तो इतनी भली बनकर रहती है जैसे इनसे अच्छी कोई भी नहीं है, और जैसे ये चले जाएंगे अपने असली रूप में आ जाएंगी। बुला लिया माँ को, मिल गई तसल्ली। राम राम बहन जी। राम राम। लगा दी इसने एक की दो, दो की चार मेरे खिलाफ। नहीं बहन जी ये क्या वो। रहने दो, सब पता है मुझे इसके बारे में। अरे कुछ सिखा के तो भेजती इसे, जुबान पे मिठास नाम की चीज नहीं है, काम तो जाए भाड़ में। अरे एक गुण तो हो बहू का जो इसमें हो। बहन जी अब ये आपकी अमानत है, अब आप ही सिखा दो। हाँ हमने तो यार ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है, यही काम रह गया है मेरा। अरे इसे समझाओ कुछ, मेरा कहा तो इसे बहुत बुरा लगता है। देखा मम्मी देखा, ये औरत कैसे बात करती है मुझसे, और ये तो आपके सामने ऐसे बोल रही थी, अकेले में तो ये मुझे इतनी बुरी तरह डांटती है, बस क्या बताऊं मैं। हो जाएगा बेटा सब ठीक हो जाएगा, बस तू खुद को और इन्हें थोड़ा सा टाइम दे, देखना सब ठीक हो जाएगा। मम्मी आपको लग रहे हैं ऐसे हालात कि यहाँ सब ठीक हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं ठीक होने वाला, बस आप मुझे अपने साथ ले चलो। बेटा मैं एक बार दामाद जी से भी बात कर लूँ, हम बैठ के बात करते हैं, तेरा यूँ एकदम जाना ठीक नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। तो आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगी? ठीक है तो फिर आप मुझे ना जहर लाकर दे दो। जहर? हाँ या तो मैं खुद खा लूंगी या इस बुढ़िया को दे दूंगी, मैं इस बुढ़िया के साथ और नहीं रह सकती, मैं नहीं झेल सकती इन्हें। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ अब तो हो ही गया है, अब ये बताओ आप लाकर दोगी जहर या नहीं, या मैं खुद ले आऊं? अब सोचो मत मम्मी, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ। नहीं तू मत लेके आना, मैं ही लेकर आऊंगी। hmm.
मिल गई मम्मी मुझे दवाई, पर इसे देना कैसे है? अच्छा लो, अब इनकी मरते मरते भी सेवा करूं मैं। शायद आप ठीक कह रही हो, अगर मैं अच्छी बनकर रहूंगी तो किसी को शक भी नहीं होगा मुझ पर। ये असर तो करेगी ना मम्मी? ठीक है मम्मी। अच्छा मम्मी, बुढ़िया तू तो गई काम से। क्या हुआ मम्मी जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहु मुझे तो पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं कई दिन से, और सारे बदन में भी दर्द है, पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। चलो मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। ये लो मम्मी जी। मम्मी जी पैरों में ज्यादा दर्द है तो मैं दबा देती हूँ। ना बेटा रहने दे, खुश रह, भगवान तुझे हर खुशी दे। बेटा मेरे जाने के बाद तो ये घर को संभाल के रखना। मम्मी जी बेटा लगता है मेरे दिन पूरे होने वाले हैं, जाने अनजाने में तेरी इस माँ से कोई भूल हो गई हो ना तो मुझे माफ कर देना। मम्मी जी आप ऐसे क्यों कह रही हो? बेटा मुझे बहुत नींद आ रही है, जा तू भी सो जा, थक गई होगी। मुझे भी अब लग रहा है पता नहीं मेरी आंखें अब खुलेंगी भी या नहीं। नहीं मम्मी जी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? हाँ मैं मम्मी को फोन करके पूछती हूँ। हेलो मम्मी, मम्मी मेरे सास जा रही हैं, मम्मी मेरे सास को बचा लो, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मम्मी आपके जहर ने असर कर दिया, बचा लो मम्मी उन्हें, बचा लो, आप जल्दी आ जाओ मम्मी, मम्मी आप जल्दी आ जाओ। तू पहले चुप हो जा, मेरी बात ध्यान से सुन, कुछ नहीं होगा तेरी सास को, वो कहीं नहीं जाएंगी। नहीं मम्मी उन्हें सच में कुछ हो गया है, मम्मी अगर इस जहर का कोई तोड़ो तो आप जल्दी बता दो मुझे। मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं होगा तेरी सास को, और तोड़ तो जब बताऊँ ना, जब तूने जहर दिया उन्हें। क्या मतलब? अरे पगली तुझे क्या लगता है मैं तेरी सास को जहर दूंगी? वो जहर नहीं था, ताकत की गोलियां थी। कोई भी माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ती नहीं है, हमेशा बसाती है, समझी? बेटा एक बात ध्यान रखना, कुछ रिश्तों को बनने में टाइम लगता है, तभी वो गहरे बनते हैं। बस कुछ इंसान ये बात समझ नहीं पाते और रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाते हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। काश हर माँ आपके जैसी हो, आपकी तरह सोच पाए तो किसी बेटी का घर ना बिगड़े, किसी बेटी का घर ना बिगड़े।